अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स ENG 502 लेसन 4 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज टॉपिक नंबर 22 प्रोडक्टिविटी। ह्यूमंस आर कंटिन्यूअली क्रिएटिंग न्यू एक्सप्रेशंस एंड नॉवल यूटरेंसेस बाय यूजिंग देयर लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज टू डिस्क्राइब न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। इंसान जो हैं वो मुसलसल कंटिन्यूसली तौर पर जो हैं वो अपने न्यू एक्सप्रेशंस और जो नावल अटरेंसेज हैं उनको वो क्रिएट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज या जो लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए किसी भी नई ऑब्जेक्ट, किसी भी नई चीज़ या सिचुएशन, किसी जगह या किसी हालत को बयान करने के लिए ह्यूमंस जो हैं वो अपने नए तसरात को पैदा कर रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ डिस्क्राइब्ड एज प्रोडक्टिविटी। ये जो प्रॉपर्टी है क्रिएटिंग द न्यू एक्सप्रेशन या न्यू वर्ड और न्यू थिंग्स, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और क्रिएटिविटी और ओपन एंडेडनेस, क्रिएटिविटी का मतलब भी पैदा करना होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब भी पैदा करना होता है, और ओपन एंडेडनेस का भी ये मतलब होता है कि जिसका कोई आखिरी इख्तिताम या आखिरी हद ना हो। तो मतलब प्रोडक्टिविटी के ये दो और नाम हैं। एंड इंसेंशली मीन्स दैट द पोटेंशियल नंबर्स ऑफ अटेरेंसेज इन एनी ह्यूमन लैंग्वेज इज इनफिनाइट। और जो किसी भी लैंग्वेज में पोटेंशियल नंबर ऑफ अटेरेंसेज होते हैं, पोटेंशियल नंबर्स ऑफ अटेरेंसेज वो नंबर्स होते हैं जो अमकानी तौर पर बोले जाते हैं, मतलब जिनका इरादा ना हो और मख्फी तौर पर या अमकानी तौर पर बोल दिए जाते हों, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल नंबर। और इनफिनाइट का मतलब है कि लामहदूद, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज में जो इमकानी तौर पर लफ्ज़ बोले जाते हैं, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अल्फाज यूज़ करते हैं, वो हमारे पास इनफिनाइट हैं, उनकी कोई हद नहीं है। द कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफ अदर क्रिएचर्स आर नॉट लाइक दैट। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बाकी क्रिएचर्स का, जो बाकी मखलूक का, वो इस तरह का नहीं है। सिसरडेज, सिसरडेज हैव द फोर सिग्नल्स टू चूज फ्रॉम। सिसरडेज कहते हैं टिड्डी को, या ऐसे कीड़े जो अपने जिस्म की बलाई हिस्से के एक उज्व से आवाज़ निकालते हैं, जो ख़ास तौर पर इसीलिए बना होता है, उसे हम कहते हैं सिसरडेज। जो सिसरडेज मखलूक है या ये जो क्रिएचर हैं, इनके पास जो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स हैं वो सिर्फ चार सिग्नल्स हैं। उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी एग्जाम्पल, वर्वेट मंकीज शेव 36 वोकल कॉल्स। जो वर्वेट मंकी शेव्स होती हैं इनके पास सिर्फ 36 कॉल्स होती हैं, मतलब जो इनकी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो वोकल कॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं उनकी तादाद 36 होती है। और जो वर्वेट है, वर्वेट का मतलब है बंदर, एक अफ्रीकी बंदर जो सरसब्ज बंदर की नौ से करीबी ताल्लुक रखता हो, मतलब ये एक बंदर की किस्म है जिसके पास 36 वोकल कॉल्स मौजूद होती हैं। Nor does it seem possible for creatures to produce the new signals to communicate the novel experiences or events. ऐसा देखने में हरगज़ नज़र नहीं आया कि मखलूक के पास दूसरी कोई मखलूक है, ह्यूमन मखलूक के अलावा, मतलब इंसानी मखलूक के अलावा किसी और मखलूक के पास ये काबिलियत नज़र नहीं आई कि वो न्यू सिग्नल्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस कर सके या उसको बना सके अपने किसी नए एक्सपीरियंसेस या नए किसी जगह के बारे में बताने के लिए। हम एक एग्जांपल देखते हैं, द हनी बी नॉर्मली एबल टू कम्युनिकेट द लोकेशन ऑफ अ नेक्टर सोर्स टू अदर बीज। जो हनी बीज होती हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, आमतौर पर ये कम्युनिकेट कर सकती हैं अपनी दूसरी जो मक्खियाँ होती हैं उनको बताने के लिए कि नेक्टर कहाँ है, मतलब शहद का जो छाता है वो किस जगह पर है। विल फेल टू डू सो इफ़ द लोकेशन इज़ रियली न्यू, लेकिन बाज़ोकात वो फेल भी हो जाती हैं अगर लोकेशन बिल्कुल नई किस्म की हो। इन वन एक्सपेरिमेंट एक तजर्बे में अ हाइव ऑफ बीज वॉज प्लेस्ड एट द फुट ऑफ अ रेडियो टावर एंड अ फूड सोर्स वॉज प्लेस्ड एट द टॉप। एक तजर्बे में हाइव कहते हैं मक्खियों का छत्ता, जिस छत्ते में मक्खियाँ मौजूद हों, वो जो छत्ता था मक्खियों का उसे रेडियो टावर के फुट बिल्कुल नीचे रख दिया गया, और जो फूड सोर्स था उसे रेडियो टावर के टॉप पर प्लेस किया गया, वहाँ पर रखा गया। 10 बीज वर टेकन टू द टॉप।
वहाँ से 10 मक्खियाँ को टॉप पर लेकर ले जाया गया। गिवन अ टेस्ट ऑफ द डिलीशियस फूड कि उन्हें जो खुराक ऊपर रखी गई थी उसका जायका चखाया जाए। एंड सेंट ऑफ टू टेल द रेस्ट ऑफ द हाइव अबाउट देयर फाइंड और फिर उन्हें नीचे भेज दिया गया ताकि वो अपनी जो बाकी छत है उसको बता सके कि जो खुराक है वो किस जगह पर है। द मैसेज वॉज कन्वेड विया बी डांस एंड द होल गैंग बर्स्ट ऑफ टू गेट द फ्री फूड। मैसेज जो था, ये जो पैगाम था, वो बी डांस के ज़रिए कन्वेड किया गया। बी डांस ने अपने ज़रिए उसको डांस करके बताया कि मैसेज ये है। उसके बाद जो पूरा का पूरा छत्ता था, होल गैंग, वो बस्ड ऑफ हो गया। मतलब बस्ड ऑफ का मतलब होता है कि इंसान का पज़ल हो जाना, किसी सही इंफॉर्मेशन का मौजूद ना होना और इर्द गिर्द घूमते रह जाना कि वो उस खुराक को ढूंढ सकें। दे फ्लू अराउंड इन ऑल डायरेक्शंस बट कुड नॉट लोकेट द फूड। वो तमाम डायरेक्शंस में उड़ें लेकिन वो खुराक ना हासिल कर सकें। द प्रॉब्लम सीम्स टू बी दैट बी कम्युनिकेशन हैज़ अ फिक्स्ड सेट ऑफ सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेटिंग लोकेशन एंड दे ऑल रिलेट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो मसला था वो सामने आया कि जो कम्युनिकेशन है, जो बीज की कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ फिक्स्ड सेट ऑफ सिग्नल्स है कि उनकी जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं वो सिर्फ फिक्स्ड है, महदूद किस्म के हैं और वो सिर्फ उसी लोकेशन की जो है वो सिग्नल्स दे सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर हो, मतलब जो उफकी फासला हो उसके बारे में वो बता सकती हैं। द बी कैन नॉट मैनिपुलेट इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम टू क्रिएट अ न्यू मैसेज इंडिकेटिंग द वर्टिकल डिस्टेंस। मैनिपुलेट का मतलब होता है खुद से कोई चीज़ बनाना, अपने हाथ से किसी चीज़ को तैयार करना। तो जो शहद की मक्खी है वो इस बात के काबिल नहीं है, वो खुद नहीं बना सकती कम्युनिकेटिंग सिस्टम को कि वो कोई न्यू मैसेज क्रिएट कर सके टू इंडिकेट की शिनाख्त करने के लिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब जो अमूदी फासला है, मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ, ज़मीन से आसमान की तरफ जो फासला होता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसकी वो शिनाख्त के लिए वो खुद से कोई मैसेज तैयार नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू कॉल वन फ्रिस्ट द बीज हैव नो वर्ड फॉर अप इन देयर लैंग्वेज। कार्ल वॉन फ्रिस्ट के मुताबिक शहद की मक्खी के पास ऐसा कोई अल्फाज नहीं है अपनी लैंग्वेज में जिसे वो ऊपर की चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल कर सके। एंड दे कैन नॉट इन्वेंट वन और वो इसको इन्वेंट भी नहीं कर सकती, इजाद भी नहीं कर सकती। दिस लिमिटिंग फीचर्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड रेफरेंस। ये जो लिमिटेड फीचर्स हैं, ये जो महदूद किस्म की खसूसियत हैं एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर, ये इस बात को डिस्क्राइब्ड करती हैं कि जो इनके रेफरेंस हैं वो फिक्स्ड रेफरेंस हैं। नो द क्वेश्चन इज व्हाट शुड टू लर्न। तो स्टूडेंट आपने इसमें याद क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी के जो दो और टर्म्स हैं, क्रिएटिविटी और ओपन एंडेडनेस, आपने इनको याद करना है। उसके बाद आपने ये याद करना है कि सी सेडर्स जो है ये हमारे पास, इसके कितने सिग्नल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, तो वो 4 सिग्नल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके एमसीक्यूज बनेगा वो ये है कि 36 वोकल कॉल्स किस एनिमल्स की होती है, मतलब वर्वेट मंकी शेव की, या ये भी हो सकता है कि जो वर्वेट मंकी शेव्स है उसके पास कितनी वोकल कॉल्स होते हैं, तो उसका आंसर 36 आएगा। उसके बाद आपके पास ये जो बीज की एग्जांपल यहाँ पर बयान की गई है इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ पर यह बात की गई है कि जो बीज हैं ये किस किस्म के डिस्टेंस को, लोकेशन को कम्युनिकेट कर सकती हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को तो कम्युनिकेट करने के काबिल हैं बट ये वर्टिकल डिस्टेंस को नहीं बता सकती। उसके बाद आपके पास ये आ सकता है कि जो द बीज हैव नो वर्ड फॉर अप इन देयर लैंग्वेज, तो ये किसने कहा था, कार्ल वॉन फ्रिस्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कार्ल वॉन फ्रिस्ट, आगे ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में दी जा सकती है। उसके बाद आपके पास फिक्स्ड रेफरेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो फिक्स्ड रेफरेंस की डेफिनेशन ये होगी, दिस लिमिटिंग फीचर ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड रेफरेंस। दिस का मतलब ये है कि जो ऊपर एग्जांपल्स दी गई है, लेकिन आप अपनी डेफिनेशन में लिखेंगे कि द लिमिटिंग फीचर ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप ऊपर एग्जांपल नहीं दे रहे हैं। थैंक यू।